हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे चीज मशरूम पास्ता। ये एक इटालियन कुजीन है और स्वादिष्ट होने के कारण काफी लोकप्रिय है। इसको नाश्ता, लंच या डिनर में आप खा सकते हैं और इसके बनाने के अनुसार आपको अलग-अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें चाहिए पास्ता। पास्ता हम 250 ग्राम लिए हैं। हम यहाँ फ्यूसिली पास्ता लिए हैं। इस तरह के डिजाइन वाले पास्ता को फ्यूसिली पास्ता कहते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार से कोई भी पास्ता ले सकते हैं। मशरूम हम 250 ग्राम लिए हैं। आप इससे कम ज्यादा कर सकते हैं। मशरूम को पानी से धोना नहीं है, सिर्फ इसे किसी सूखे कपड़े या टिश्यू पेपर से पोंछ लें और इस तरह से हल्का सा साइड से हाथ से ही आप निकाल सकते हैं। चाकू की आवश्यकता नहीं है और चाहें तो आप चाकू से भी निकाल सकते हैं। हल्का सा इसमें छिलका जैसा निकल आता है और इसे निकाल देना है। इस तरह से हल्का सा जो बाकी बचे हुए हो आप चाहे तो चाकू से भी इसे काट कर निकाल सकते हैं और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़े हमें काट लेने हैं। इस तरह से चीज स्लाइस हम कितनी मात्रा में पास्ता बनाने जा रहे हैं उस हिसाब से हमें चीज लेना है। चीज हम 4 स्लाइस लिए हैं। हम चेडर स्लाइस लिए हैं। आप अपने पसंद के अनुसार से पामेजॉन, मोजरेला या अन्य कोई भी चीज ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल सके। ब्लैक पेपर पाउडर, इसको गोल मिर्च, काली मिर्च भी कहते हैं, ये हमें 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून लेना है और ये ताजा ही ले। आप तुरंत इसे कूट करके पाउडर बनाएं तो आपके पास्ता का फ्लेवर और टेस्ट भी काफी अच्छा बनेगा। 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब्स, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और सॉस के लिए मैदा 3 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, 2 प्याज, इसे बिल्कुल बारीक काट लेना है। बटर, बटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और दूध, दूध हम यहाँ लिए हैं 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। आइए अब इसे बनाना शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पास्ता को उबाल लेना है। तो एक बड़े पतीले में हम पानी गर्म करेंगे। पानी हम थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे क्योंकि अगर पानी कम रहेगा तो पास्ता चिपक जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खिला खिला हमारा पास्ता होना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे नमक और तेल, ढककर के इसे हमें एक उबाल आने देना है। इसके बाद ही हम इसमें पास्ता डालेंगे। पानी हमारा खौल रहा है तो अब हम यहाँ इसमें पास्ता मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर पकने देंगे। बीच में हम एक दो बार इसे देख लेंगे, इसे अच्छे से चला लेना ताकि नीचे ये चिपके नहीं। और पास्ता को सिर्फ 90% ही हम पकाएंगे यहाँ। अगर पास्ता को यहाँ हम उबालते समय 100% उबाल लेंगे तो जब हम इसे सॉस में पकाएंगे तो ओवर कुक्ड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें पास्ता पकाते समय कि पास्ता आपको सिर्फ 90% ही पकाना है, 10% पास्ता आपका सॉस में पक जाएगा। तो इस तरह से आप चेक करें और पास्ता हमारा पक चुका है। अब हम इसे छान लेंगे और चूंकि पानी हम काफी ज्यादा रखे हैं तो इसे धोने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल खिला खिला है। पास्ता
पास्ता हमारा तैयार है और इसे हम 90% ही पकाए हैं। ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज है। तो आइए अब हम इसके सॉस तैयार कर लें। तो आइए अब हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमें गर्म कर लेना है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम यहाँ बटर गर्म कर लेंगे। बटर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा। जैसे ये पिघल जाए हमें तुरंत यहाँ प्याज इसमें भून लेना है। बटर को ज़्यादा अगर गर्म करेंगे तो वो काला सा हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और प्याज को हम हल्का ही भूनेंगे, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना है। प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे मशरूम, और मशरूम के साथ भी इसे हमें हल्का सा भून लेना है। चलाते हुए ही हम इसे भूनेंगे। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि सब्जी या प्याज हमारा ओवर कुक्ड ना हो, बहुत ज़्यादा नहीं हमें इसे पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। इसे भी बस 2 से 4 बार चला करके हमें हल्का ही भूनना है। लगभग 2 मिनट हम भूनेंगे इसे। हमारा सब्जी, प्याज और लहसुन भी भून चुका है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा बटर छूटने लगा है, तेल जैसा दिख रहा है। तो ये हमारा भून चुका है सब्जी, प्याज और लहसुन। तो यहाँ हम इसमें मिक्स करेंगे मैदा, और इसे लगातार चलाते हुए ही हम भुनेंगे। मैदा हल्का सा लाल होना चाहिए ताकि उसमें जो कच्चापन रहती है मैदा के आटा जैसा स्वाद, वो हट जाना चाहिए। और इसे छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यूअसली हमें चलाते हुए ही भुनना है। करीब 2 मिनट हमारा हो चुका है इसे भूनते हुए। मैदा हमारा भुन चुका है। तो अब हम यहाँ इसमें मिक्स कर लेंगे दूध। पहले हम थोड़ा सा दूध डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैदे के साथ हमें दूध को मिक्स करना है तो गांठ नहीं बने बीच में। इसलिए थोड़ा दूध डालकर पहले उसे अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद हम बाकी का दूध डाल करके यहाँ मिक्स कर लेंगे। और गर्म होने तक इसे चलाते रहे कंटिन्यूअसली, नहीं तो नीचे पैंदी में मैदा जैसे चिपक जाएगा। तो यहाँ हम इसे चलाते हुए ही खौलाएंगे, और तेज आंच पर ही हमें इसे खौलाना है। और अब हम मिक्स करेंगे नमक। नमक रख डालते समय बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम पास्ता भी नमक डाल के बॉईल किए हैं तो वो भी नमकीन है। जो हम बटर लिए हैं वो भी नमकीन बटर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें नमक डालना है। और अब हम यहाँ मिक्स करेंगे चीज स्लाइस और बाकी के मसाले। यहाँ हम मिक्स हर्ब्स और काली मिर्च का पाउडर, वो हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से एक उबाल हम इस सॉस में आने देंगे, और इसे चलाते रहना है कंटिन्यूअसली, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगा। हमने मैदा और चीज भी ऐड किया है। सॉस हमारा पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है और खौलने लगा है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता, उबला हुआ पास्ता जो हम रखे हैं वो। इसे अब हमें यहाँ मिक्स कर लेना है। इसमें अच्छे से एक उबाल आने दें, और उबाल आने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट ही इसे पकाना है। पास्ता हमारा तैयार है, और सॉस इसका हमें इतना ही पतला रखना है, नहीं तो ठंडा होने पे पास्ता बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ गैस बंद कर लेंगे और इसे ठंडा
थोड़ा ठंडा होने देंगे। पास्ता हमारा बनकर तैयार है, तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा, खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आप भी ज़रूर बनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।